Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to convert the given decimal fractions to percents. So these numbers are written in decimal fractions. So these numbers are fractions which are written in decimal form. Okay, you got it. And now we have to convert these numbers into percents. So it's very simple. 0.65, first we have to convert it into fraction, and it is equal to 65 upon, here decimal is on 100th place, okay, so upon 100, or we have to convert it into percents, so we multiply it by 100%, so equal implies का साइन मत लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ, 100 से 100 कट हो गया, बिकॉज ये 100 न्यूमरेटर में है एंड ये डिनोमिनेटर में है, सो आवर आंसर इज 65%. तो इस तरह से हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन था उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर परसेंट्स में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करा एंड देन 65% हमारा आंसर है. अगेन 2.1, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 21 हेयर पॉइंट इज ऑन 10th प्लेस, तो हम अपॉन में लगाएंगे 10 मल्टीप्लाई 100%. ओके, 10 से 10 कट गई. नाउ 21 मल्टीप्लाई 10 इज 210%. सो हेयर आवर आंसर इज 210%. नेक्स्ट नंबर इज 0.02 एंड हेयर अगेन डेसिमल इज ऑन 100th प्लेस, तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 2/100 मल्टीप्लाई 100%. ओके, नाउ 100 से 100 कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, इट्स 2%. ओके, क्लियर है, काफ़ी सिंपल भी है इसको कन्वर्ट करना. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज 12.15 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट्स. तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 12 पॉइंट को हटा देंगे तो 15 ऐसे ही लिखेंगे, तो हो गया 1215. डिनोमिनेटर में पॉइंट है 100th प्लेस पे, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए 100% से, 100 से 100 कट गया, 1215% इज आवर आंसर. तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. बाय, सी यू सून.